हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अभी अगर आप होटल ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपके साथ होटल वाले किस तरह के फ्रॉड कर सकते हो। तो मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं आपको मेरे साथ हुआ है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो मैंने जब ओयो पहले मैंने गोवा विवो से होटल बुक की थी, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ओयो की प्रॉपर्टी थी तो मैंने ओयो को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने मेरा कॉल डायरेक्ट होटल वाले को ट्रांसफ़र कर दिया और होटल वाले से बात हुई, लेकिन उसने भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो वो मैं कॉल रिकॉर्डिंग पहले आपको सुनाना चाहूँगा और फिर बाद में मैं आपको पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा जो वाक्य है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग ये सुन लीजिए, फिर बाद में मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि ये होटल वाले कैसे फ्रॉड करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। आपने फोन लगाया, बोलिए सर। हाँ मतलब सर वो ओयो रूम से मैंने बात की थी, वो कल मेरा बुकिंग है जिंजर ट्री में। हाँ तो सर मेरे को गोवा भी ओवर से कॉल आया था कि बुकिंग कैंसिल हो गई है, रूम अवेलेबल नहीं है, हाँ ऐसा कुछ है सर? हाँ जी। सर तो सर अभी मेरे को आप लास्ट मोमेंट पे बताओगे तो मैं क्या करूंगा? जी, मैंने तो आपको नहीं बताया, आपने मेरे से बुकिंग नहीं की थी। आपको आज भी मुझसे बात करो। अच्छा ऐसा है सर। तो हाँ अभी ओयो ने आपको क्यों कॉल लगाया? हाँ ओयो ने आपको कुल क्यों कॉल लगाया? नहीं, आप ओयो से बात कीजिए या तो गोवा विवो से बात कीजिए। वो ओके okay. अपना जिंजर ट्री जो है ना वो रेनोवेशन में है। अच्छा लेकिन सर उसमें तो अगर रिनोवेशन है वो तो आपका ही मतलब है ना, वो आपको ही मैनेज करना होता है नहीं ना, ना। हमारा नहीं ना, हमको थोड़ी पता करना है। आपने हमसे तो बुकिंग की नहीं, हम तो आपको पहचान रहे लेकिन नहीं। सर सर आप बिजनेस मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं ठीक है, वो आई वीवो के साथ बीच में नहीं, नहीं बीच की बात छोड़ो, बीच की बात छोड़ो। हम नहीं नहीं है ही नहीं सर, पिक्चर में। मैं हमने क्या बोल होटल, रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आप बिजनेस कर रहे हो ओयो के साथ या फिर गोवा व्यू के साथ, उसी की वजह से मेरे को शो हो रही है ना, उसके लिए मैंने बुकिंग नहीं, किया है ना। अगर आप ओयो के साथ मेरी बात बिजनेस नहीं सुनो। कर सकते हो, नहीं करते हो तो ओयो में शो ही नहीं होगी ना आपकी, हाँ होटल बुकिंग कैसे होगा? मेरी बात हाँ तो बोलिए मेरी सर। बात सुनो ना। हाँ पहले जिंजर ट्री था होटल, अभी बंद हो गया है, मेरे हाथ में नहीं है, अभी ओयो ने अपने हाथ में ले लिया है। तो आप ओयो से ही बात कीजिए तो बेटर होगा। लेकिन सर मैंने अभी ओयो पे ही कॉल लगाया, उन्होंने ही आपको ट्रांसफर किया है तो अभी सर फिर मेरे। आप उनको, मैं आज आपको बात करने वाला हूँ कि ऑनलाइन होटल में दिक्कत क्या होती है। अगर आप बुक ऑनलाइन होटल से कर रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा इतनी डर नहीं होती। मैंने बुक किया था गोवा में जिंजर ट्री होटल करके है जो कि कलिंगुड साइड है। तो लास्ट मोमेंट में जब मैं ट्रेन में बैठा था तो उनका कॉल आया कि सर रूम अवेलेबल नहीं है तो आपको कहीं और शिफ्ट होना होगा। मतलब होटल वाले तो फ़ोन करके वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर आया फ़ोन गोवा वीवो वाले का, तो गोवा वीवो में मैंने बात की तो वहाँ पर मैं ट्रेन में था इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो कॉल कट हो गया। फिर उनका कोई कॉल ही आया नहीं, तो फिर मैंने तकरीबन 50 बार गोवा वीवो वाले को फ़ोन किया, हर बार अलग अलग एजेंट कॉल उठाता है और आपकी तकलीफ आपको 10 से 15 मिनट मिनिमम आपको आपकी प्रॉब्लम है जो वो बतानी पड़ती है। और ओयो की प्रॉपर्टी थी जिंजर ट्री करके, ओयो की प्रॉपर्टी थी। फिर मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ओयो वालों से बात की, गोवा वीवो वाले से बात की। मैं बागा पहुँच ही गया था और फिर मेरे को 4 से 5 घंटा बाहर बैठना पड़ा कि कोई भी होटल वाला मेरे को जिंजर ट्री वाला ना चेक इन दे रहा था। और शिफ्ट करने में भी वो लोग जो है, मैंने अभी जब मैंने होटल बुक करवाया तो उसका रेंट था तकरीबन 1500 से 2000 रुपये, और अभी क्या कि मैंने बुक करवाया था 1 महीने पहले,
तो अगर आप 1 महीने पहले कोई भी होटल का प्राइस कम होता है, और अगर आप लास्ट मोमेंट पे बुक करवा दें तो वो 1,000 या फिर 2,000 वाली होटल आपको पड़ेगी 5,000 या फिर 6,000 में। तो ओयो वाले क्या करते हैं कि अगर आप लास्ट मोमेंट के आपकी होटल कैंसिल हो जाती है और आपने बुक की है 2,000 रुपीज़ में होटल, तो लास्ट मोमेंट पे जो 2,000 रुपीज़ वाली होटल होगी वहाँ पर शिफ्ट करवा दें। तो अगर आप वहाँ पर शिफ्ट करते हो तो आपको बहुत ही घटिया होटल प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपने बुक किया है 2,000 रुपीज़ पे करके कोई अच्छा सा होटल जो कि 1 महीने पहले उसकी रेट कम होती है। अगर लास्ट मोमेंट पे आपकी होटल कैंसिल हो जाए तो लास्ट मोमेंट पे ऑब्वियसली कोई भी होटल का रेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए लास्ट मोमेंट पे वो जो 1 महीने पहले 400 या 500 रुपये में मिलती है होटल, वो होटल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मैंने 4 से 5 घंटे उनको रिक्वेस्ट की कि सर ये होटल तो नहीं चलता है, मैंने जो होटल बुक की थी उसमें अमेनिटीज ज़्यादा थी। फिर तब जाके उन्होंने मेरे को 5 से 6 घंटे बाद एक होटल सजेस्ट की जो भी अच्छी है। होटल अभी मैं रुका हूँ रेंट ऑन मैनर करके है, बागा साइड है, लोकेशन भी अच्छी है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, रूम्स वगैरह भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है। तो तब जाके मेरे को मिली ये होटल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि होटल के रिव्यू चेक कर लें। आपको ऑनलाइन होटल के रिव्यू चेक मिल जाएंगे, जो रिव्यू में अगर आप देख सकते हो कि कहीं भी किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आई कि लास्ट मोमेंट पे होटल कैंसिल कर दिए, तो आप एक बार कॉल करके पूछ लो। अभी मैंने जो बताया, होटल वाले क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट 1 महीने पहले जो उसका रेंट होता है 1 से 2,000 रुपीज़, तो लास्ट मोमेंट पे उसका रेट ज़्यादा होता है। तो होटल वाले, हम लोगों ने कम रुपए में होटल बुक की है तो होटल वाले क्या करते हैं कि वो होटल कैंसिल कर देते हैं आपकी और दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। 1,000 रुपीज़ आपने पे किया है लेकिन उनको अभी 4,000 मिल रहे हैं, तो होटल वाले आपकी आपका रूम कैंसिल करके वो किसी और को प्रोवाइड कर दें। फिर तब जाके मैंने वहाँ पर जांच की, तो मैंने फिर रेंडमली कॉल किया उनको कि सर अभी मैं बागा साहिब उतरा हूँ और आपकी होटल मैंने देखी तो सर रूम्स अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर रूम मिल जाएंगे आपको लेकिन थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि अभी क्या लास्ट मोमेंट पे हमारे पास सिर्फ एक ही दो ही रूम है, तो सर आपको ज़्यादा पे करना होगा। तो ये होटल वाले अपने कुछ फ़ायदे के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, तो बी अवेयर गाइज। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करते हो तो ध्यान रखिए, होटल वाले को भी एक बार फ़ोन करके बोल दीजिए कि सर मेरी ये डेट पे बुकिंग है, सर रूम्स रखना, वो सब आपको करना पड़ेगा। वरना फिर अगर मैं तो चलो 5 से 6 घंटे बाहर बैठा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो, आपके साथ बच्चे हैं लेडीज़ है, तो आप 5 से 6 घंटे बाहर वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जब भी आप कहीं होटल बुक करवाते 1 महीने पहले करवाओ तो 1 महीने पहले कॉल कर देना, 15 दिन पहले कॉल कर देना, 1 वीक के पहले कॉल कर देना, तो क्या वो किसी और को रूम प्रोवाइड ना कर